नमस्कार, इनसाइड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है वो 10वें साल में प्रवेश कर गई है और उन्होंने तमाम जो है उनकी उपलब्धियाँ गिनाई। उसके बाद बारी आती है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने काफ़ी फिर से एक बार उनको सवाल से घेरा है, उन्होंने तंज कसा है और फिर एक बार विपक्षी एकता को लेकर बयान दिया है। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है 9 वर्ष पूरा हो गया, 10वां वर्ष चल रहा है। दूसरा है हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन का विस्तार कैसे हो। तीसरा है बिहार में विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर, और चौथा है जो कल विपक्ष के कुछ पार्टियों का एक मिलन हो रहा है। कुछ पार्टियों को मैं इसलिए कहा कि संपूर्ण विपक्ष एक मत नहीं है और हम जिस गठबंधन के साथ हैं, NDA गठबंधन के साथ है, तमाम साथियों को मालूम है कि NDA गठबंधन सरकार 2014 से लेके आज तक है, जिसके नेता देश के सर्वप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। सबसे पहले कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि विदेश के दौरे पर जो गए और जो उनका वहां स्वागत हुआ, मैं समझता हूं कि 100 वर्षों के इतिहास में आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री का उतना भव्य स्वागत नहीं हुआ होगा, और भी अमेरिका जैसे कंट्री में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो सब हुआ और पूरे विश्व नजर उस पर उन पर था। कल के प्रोग्राम में पूरे विश्व का नजर था और काफी देश के राजाध्यक्ष ने उसमें शिरकत किया। ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा आप देखिएगा कि G20 है, G20 की अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर है, खास करके बिहार में दलित समाज का जो लोग है, अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। आपको सामने उदाहरण होगा हमारे हाजीपुर में लालगंज में राकेश पासवान जो बहुत तेज नौजवान लड़का था, हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव भी था और 5 बजे शाम में जाके उसकी हत्या हो गई। और प्रशासन के द्वारा आज तक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए अरवल में एक दलित महिला के साथ में, पासवान महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। बेगूसराय में छोड़ाई प्रखंड में हुआ, एक दलित महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, वो भी दलित महिला पासवान ही थी। तो इस ढंग से बिहार में जाति कुछ के भी क्राइम हो रहा है, क्योंकि हम पासवान जाति के लोग इस सरकार के विरोध में हैं। मैं स्पष्ट खोल के कहना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार बिहार में इस सरकार के विरोध में हमारी जाति के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, तो चूर चूर के प्रशासन के द्वारा हत्याएं लूट बलात्कार कराया जा रहा है, उसका केस दर्ज नहीं होता है। ये बिहार के दुर्भाग्य है और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितने अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे 2005 में, 2010 में, 2015 में, आज वो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं है। आज किसी के सहारे हैं, उनको सहारा चाहिए। अब कोई भी भाषण देने के पहले आप देखे होइएगा, आप लोग पत्रकार साथी हैं, जब भाषण देते हैं तो बगल में से घूम कर देखते हैं कि तेजस्वी यादव है कि नहीं, तो ये उनको सहारा चाहिए, अब वो निराश हो चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्षी एकता जो है वो ढकोसला है, यहाँ एक PM की कुर्सी है लेकिन
तमाम जो नेता हैं जो कल विपक्षी एकता में भाग लेने आ रहे हैं वो सभी अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं। ममता बनर्जी के भी कई शर्त हैं, वही अरविंद केजरीवाल का जो है भी शर्त है, और इस शर्त पर अगर मंजूरी होती है तो फिर विपक्षी एकता जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो पाएगी। उसके बाद आपको बता दें कि चिराग पासवान का नाम लेते ही एक बार फिर से पशुपति पारस, चाचा पशुपति पारस जो हैं वो भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इतना ही है तो चिराग पासवान से आप लोग जाके सवाल पूछिए कि क्यों वे जमुई जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं, आखिर क्यों। उन्होंने फिर एक बार फिर से चिराग पासवान को लिए साफ तौर पर कहा है कि अगर चिराग पासवान ये चीज़ का जवाब दे तो फिर मैं आगे कुछ बोलूँगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सैटेलाइट लाइव। नमस्कार।